वापस अध्यक्षा भारतीय। मुंबई के एक पूर्व डीसीपी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डीसीपी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जब मैं मेरी कस्टडी में किसी को लाया जाता था तो मैं अपराधियों को कुत्तों की तरह पीटता था। जी हाँ, डीसीपी का वीडियो में यही शब्द का उपयोग कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि उनके इस वीडियो को उनके ही किसी रिश्तेदार ने वायरल किया है। ये सारे सबूत मुंबई पुलिस को सौंप दिए गए हैं। अब मुंबई पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी ये देखने लायक होगा। डीएसपी रहे भीमराव सोनवड़े का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके डीएसपी रहते जब भी किसी को जेल लाया जाता था तो उसे कुत्ते की तरह पीटते थे। रत्तू गोस्वामी नाम के मुलजिम की कस्टडी में मौत भी हो गई थी, हमने उस मामले को सेट कर दिया था। ये वीडियो मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है, कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई है। उनके रिश्तेदार राजेंद्र ठक्कर ने ही वीडियो फैलाया है। सोनवड़े बता रहे हैं कि गोसावी को हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, उसे एक मामले में थाने लाया गया था, मैंने उसे पीटा और उसकी मौत हो गई। थाने के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मैंने सिपाहियों से कहा कि उसे ऐसे पकड़कर बाहर ले चलो जैसे कि वो बेहोश हो गया है। हम अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। मैंने वहां अपना रसूख दिखाते हुए सब कहानी जमा दी। डीएसपी का ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और इन सारे सबूतों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।